ये शायद पहला मौका है जब बीजेपी में हार पर कोई आवाज उठी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी नेतृत्व को एक पुरानी कहावत याद दिला दी और कहा हार के बारे में भी सोचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, नेतृत्व को हार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नितिन गडकरी ने यह बात पुणे में सहकारी बैंकों के कार्यक्रम में कही। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह से बयान को अहम माना जा रहा है। गडकरी ने एक पुरानी कहावत का जिक्र कर कहा, सफलता का श्रेय लेने के लिए होड़ लगी रहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार के बाद सवाल उठ रहे हैं। नितिन गडकरी बैंकों की हालत पर बोल रहे थे, कहा इन्हें भी सफलता असफलता मिलती है, जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। अपयशाचा दोष दुसऱ्याला देऊ नका। अपयशाचंही श्रेय घेण्याची वृत्ती नेतृत्वात असली पाहिजे आणि जोपर्यंत नेतृत्व अपयशाचं श्रेय घेणार नाही तोपर्यंत संस्थेबद्दलची त्याची लॉयल्टी आणि कटिबद्धताही सिद्ध होणार नाही। विजयाचे बाप अनेक असतात, पराभव अनाथ असतो। आणि जेव्हा तुमचा सक्सेस स्टोरी असते तेव्हा यशाचं श्रेय घेण्याकरता दौड़ स्पर्धा असते। सगळ्यांचं माझ्यामुळे यश आहे। देखिए, नितिन गडकरी जी की जो चिंता है और वो चिंता शायद इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लगभग 6 राज्यों के चुनाव में हारी है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही थी वो अब आम जनता को छलकर वोट जो पहले लिया था अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। अब उन्होंने कहा कि नहीं कहा तो ये मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम आप लोग भी थोड़ा इधर उधर मिर्च मसाला लगा के बताते हो, बट मान लीजिए वो ये कहा है, ये तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है।